मदरसों की जांच हो रही है, तो जांच हमारे समस्त ये है कि जांच इसलिए कराई जा रही है कि जो वहाँ अनलीगल गार मदरसे में होते हैं उस पर रोक लगेगी। मदरसों के साथ साथ बहुत से ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, उनकी भी जाँच होनी चाहिए। मदरसों की जांच गवर्नमेंट करवा रही है, इस पे किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को इस पे विरोध करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की जांच नहीं करा रही है। प्रदेश सरकार मदरसों की जांच नहीं, सर्वे करवा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मदरसे कागजों में चलते हैं और कई जगह संदिग्ध गतिविधियाँ भी पाई जाती हैं। व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की जांच नहीं करा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का उन चीज़ों का सर्वे करा रही है जहां अराजक और असामाजिक गतिविधियां और अराष्ट्रीय गतिविधियां होती हैं। उन मदरसों को जो केवल धार्मिक रीति से, सांस्कृतिक रीति से चल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं है। मदरसों की आड़ में बड़ी बड़ी संपत्ति को अर्जित करना, मदरसों की आड़ में राष्ट्रद्रोह को प्रोत्साहन देना और मदरसों की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट के बाद यह स्थिति आई है कि योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराना शुरू किया है। जो विपक्ष यह प्रचारित कर रहा है कि मदरसों की जांच हो रही है, वह असत्य और निराधार है। किसी भी संस्थान को, चाहे वो मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जो हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो मंशा है, परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो मंशा है कि हमारा बच्चा, जो बच्चा है, वो कायदे से पढ़ लिख करके, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने परिवार का, अपने समाज का पालन पोषण करे। इसी क्रम में जो मदरसों की जांच हो रही है, तो जांच हमारे समस्त ये है कि जांच इसलिए कराई जा रही है कि जो वहाँ अनलीगल कार मदरसे में होते हैं उस पर रोक लगेगी और सुचारू रूप से हर तरह की शिक्षा मदरसों में दी जाएगी, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे राष्ट्रवादी शिक्षा हो। मदरसों के साथ साथ बहुत से ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मदरसे अवैध सरकारी ज़मीन पर हुए, खेल के मैदान पर बने हुए हैं, बहुत सी ऐसी जगहों पर है, इसलिए उनकी जाँच होनी चाहिए। और अधिकांशतः जिनकी मान्यताएँ नहीं हैं, ऐसे विद्यालयों को तत्काल सीज करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान समय में सत्र 2021-22 में 20 लाख छात्रों को दसमोत्तर छात्री, कक्षा 10 के ऊपर इंटर, बीए, एमए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं समस्त कक्षाओं में शुल्क फीस की भरपाई और छात्रवृत्ति की सुविधा से 20 लाख बच्चे वंचित हैं। मदरसों की जांच गवर्नमेंट करवा रही है, इस पे किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को इस पे विरोध करना चाहिए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जितनी संस्थाएं हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहली बात, और चाहे जो संस्थाएँ, सबकी जाँच होनी चाहिए, मेरा मानना है। मदरसों में, जैसे चाहे मदरसे हों या अन्य संस्थान हों, उसमें मजहबी शिक्षा या गलत प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और गवर्नमेंट की मंशा जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आधुनिक शिक्षा हो, या मदरसे हो या कोई भी संस्था हो, वहाँ पे आधुनिक शिक्षा का वातावरण बनना चाहिए। कि शिक्षण संस्थान हो या किसी तरह के संस्थान हो, चाहे मदरसा हो, चाहे गुरुकुल हो या अन्य विद्यालय हो, सबके सब हैं तो सरकार की ही संपत्ति, और जो समाज की संपत्ति, जो समाज की संपत्ति है वो सरकार की भी है, जो सरकार की वो समाज की है। दूसरा जो मैंने सुना है उसमें ये है कि मदरसों को बिना रजिस्ट्रेशन कराए तमाम देशों से फंडिंग करा करके चलाते हैं, जिसमें अनेकों तरह की अनैतिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, और ऐसे तमाम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कई जगह पकड़ेगा भी, बंगाल बिहार में भी, ये 2-3 दिन की ही घटना है। रहा जांच करने का, जांच करने का एक सार्थक पहलू भी है, सकारात्मक पहलू है कि जैसे विद्यालयों की सरकार जांच कर रही है, बिना मान्यता के नहीं चलेंगे, वैसे मदरसा भी एक विद्यालय है, बिना मान्यता के ना चलें। मान्यता
लेने के लिए उसे कुछ मानक है, उसे कुछ नियम है। प्रदेश सरकार मदरसों की जांच नहीं सर्वे करवा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे मदरसे कागजों में चलते हैं और कई जगह संदिग्ध गतिविधियां भी पाई जाती हैं और अक्सर मदरसे मतलब कहीं ना कहीं आतंकवादियों का अड्डा भी बन रहे हैं, खासकर बॉर्डर इलाकों में। तो इसी वजह से सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश सरकार जो करवा रही है वो सही है, सर्वे होना चाहिए। और सर्वे के तहत अभी कुछ मदरसे ऐसे भी पाए गए हैं जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं और उनका ग्रांट आता है, तो ये सरकार का सही कदम है और ये करना चाहिए, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरे जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उनके लिए, ताकि वो आगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करके मदरसों का कायाकल्प कर सकें। ये सरकार जो मदरसे का सर्वे करा रही है, एक तरह से यह लीगल ही है और ठीक भी है, चूँकि यह अपने मदरसों में मान के चलिए कि 260 से 65 जो भी मदरसे हैं ये आपके कागजी रूप से लीगल रूप से हैं। जो शेष मदरसे का मतलब कम से कम 500 से 700 के समथिंग मदरसे अपने पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, इन मदरसों से इनकी छवि ख़राब हो रही है। मेरा कहना यही होगा कि अगर योगी सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है तो इसमें हमारे समस्त मुस्लिम भाई जो भी लोग हैं योगी जी के समर्थन को पूर्ण रूप से करें और लीगल मदरसे को चलाने का प्रयास किया जाए। मदरसे के जो सर्वे हो रहा है ठीक हो रहा है, जो सही है वो सही रहे और जो नहीं हुआ नहीं सही है उसको सही कर किया जाए। कुछ मदरसे जो है उसमें सहयोग नहीं कर रही है, कागज नहीं तो सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार हम जानते हैं इसीलिए कर रही है कि जो चीज़ उसमें जिसके मानक स्वरूप नहीं होगा उसको सरकार सुविधा देगी और मान्यता भी देगी। प्रदेश सरकार जो मदरसों का सर्वे करा रही है ये बहुत ही सही है। भारी मात्रा में जो है मदरसे बनाए गए हैं बहराइच, सिद्धार्थनगर, सुनौली, महाराजगंज के बॉर्डरों पे, और सारे मदरसे जो है जर्जर अवस्था में हैं, ठीक है। और वहाँ केवल दीनी तालीम दी जाती है, बाकी जो है कंप्यूटर की शिक्षा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसकी कोई पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार की मंशा ये है कि मदरसों में अच्छी शिक्षा पहुँचे, ठीक है, दीनी तालीम के साथ साथ जो है मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो, बाकी और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो। प्रदेश सरकार द्वारा ये जो मदरसों पे कार्रवाई है कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि आपने देखा था कि कोरोना काल में मतलब मदरसों पे एक न एक हमेशा टिप्पणियाँ आती रहती थी कि मदरसों में ये हो रहा है, मदरसों में वो हो रहा है। तो ऐसे में जो दूसरी कौम के लोग हैं मुस्लिम वर्ग, वो कहीं ना कहीं भयभीत भी रहता था और उन पर कई सवानिया निशान भी उठते रहते थे। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने जो इस सराहनीय कार्य किया है इससे उन लोग भी खुश हैं और वो इस चीज़ के फैसले को भी स्वागत कर रहे हैं। क्या सरकार ये नहीं कह रही कि मदरसे को ख़त्म कर दें, हम ये कह रहे हैं, सरकार ने ये कहा है स्पष्ट कर उसमें कि जो मदरसे हैं अवैध रूप से जो चल रहे हैं उसको या तो हम जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें मिला देंगे या तो उसको ख़त्म करके किसी और उसमें हम कर देंगे। देखिए ऐसा है, प्रदेश सरकार जो इस समय जो मदरसों का सर्वे करा रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सराहनीय कार्य कहा जाएगा। कारण यह है क्योंकि वहाँ से कई ऐसी गतिविधियाँ होती थी, कुछ ऐसे मदरसे थे जो पंजीकृत नहीं थे और उन मदरसों का ग्रांट ले लिया जाता था, केवल पेपर में चलते थे। अब ये सारी चीज़ें खुलासा होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके जिसने किया होगा उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे मदरसे जो अभी चल रहे हैं, जो कागज जो है अभी पंजीकृत नहीं है, मदरसों के रूप में चल रहे हैं, उन्हें सरकार अपने जो है जो भी मदरसे यहाँ के होंगे उसमें वो जुड़ने का काम करेगी। लेकिन इसमें एक बात और बता दूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी कदम उठाते हैं बहुत सोच समझ कर उठाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा मदरसों का जो सर्वे हो रहा है निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है, परंतु इसके आड़ में इनका शोषण ना हो, जांच के नाम पर लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए और जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मानक है, मानक के अनुरूप जो कार्य है वो हो, मिड डे मील का पूरा जो है उनकी जो आपूर्ति है वो हो, और ये सराहनीय कदम है मेरे हिसाब से होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि सारे स्कूलों का होना चाहिए, जो शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्य कर रहे हैं जो लोग, सबका होना चाहिए, है कि नहीं। इससे क्या होता है कि पारदर्शिता बनी रहती है, राज्य सरकार के निगाह में रहते हैं लोग, है कि नहीं। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, ये सराहनीय कदम है। देखिए अगर कोई भी सरकार किसी भी संस्थान की जांच उसकी गुणवत्ता को अच्छा रखने के लिए करती है, समाज हित में बहुत ही अच्छा है।
यदि पूरा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी ने कहीं नुकसान के मंशा से अगर ये सर्वे कराया जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन उसको उच्चीकृत करने के लिए, उसमें शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अगर उसका निरीक्षण परीक्षण किया जा रहा है कि क्या खामियां हैं शिक्षा में, क्या दिक्कतें हैं, उनको दूर करके एक अच्छी और व्यावसायिक पर शिक्षा का ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक जांच की बात है, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था को राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते जांच के दायरे में लाया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं है। मौजूदा सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल है। आज उत्तर प्रदेश बदहाली के जिस द्वार पर खड़ा हुआ है, न किसी बेरोजगार के लिए रोजगार है और न किसी किसान के लिए रोजगार है। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता खुली निगाहों से इन सारे घटनाक्रम को देख रही है। मान के चला जाए, अगर जो जांच हो रही है स्कूलों में, तो जाहिर सी बात है बच्चों को चाहिए भी डेवलपमेंट पर आगे बढ़ने के लिए, जिसके लिए हम हर एक शिक्षा सीखें। बहुत ही अच्छा माननीय जो है श्री हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ने किया ये अभियान जो चालू किया है, मुझे 100% इस पर बहुत खुशी है कि इस्लाम के भी बच्चे जो है कुरान और हदीस से हटकर थोड़ा सा जांच करवाना कोई गलत बात नहीं है, अगर जांच करवाई तो सही भी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ गुणवत्ता को भी ध्यान देना चाहिए। सही जांच की जांच के संबंध में मामले कहीं कहीं चीज़ की कमी है तो सरकार उसको उजागर करके उसकी पूर्ति करे। और रही बात बड़े स्तर के जो मौलाना है उनके द्वारा भी सामग्री प्रदान की गई है, अच्छी बात है। इसी बहाने कम से कम मदरसों की जांच हो जाएगी। सरकार की जो मंशा है, अगर उस नेक इरादे के साथ अगर सरकार कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए मदरसों के विकास के लिए। और अगर जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं नहीं हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं वो सहयोग के जांच टीम का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और जो मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो मदरसों की खस्ता हाल जो स्थिति परिस्थिति मदरसों की ख़राब है, हम सरकार से चाहते हैं कि वो मदरसों के आधुनिकीकरण पर मदरसों का विशेष ध्यान दिया जाए। जिस तरह सरकारी स्कूल में सुविधाएं दे रही है सरकार, उस तरह मदरसों में भी सुविधाएं देना चाहिए कि मदरसे की लड़के पढ़ करके आगे बढ़ें, और हर एक सुविधा उनको भी मिलना चाहिए जिस तरह से अन्य स्कूलों में सरकारी स्कूल या जैसे और जगह मिलता है, वैसे मदरसों में भी बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए। सरकार ने जिस तरह से गैर मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों को, मदरसों को, जिस तरह से उन्होंने जांच का ऐलान किया, कहीं ना कहीं चीज़ें सही है। मैं अभी आज एक दैनिक अखबार पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था 1930 से एक मदरसा आपके जिले में अनरजिस्टर्ड होता है, 1930 से अभी तक की व्यवस्था चल रही है। कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छे खान पान मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, टेबलों की व्यवस्था अच्छी हो, सुचारू रूप से वॉशरूम की व्यवस्था, सारी चीज़ें एक बेहतर सुचारू रूप से तब हो पाएंगी जब ये जाँच हो पाएगी आखिर इन मदरसों में क्या चीज़ की कमी रह गई है। तो मदरसों की जांच हो रही है, तो जांच हमारे समझ से ये है कि जांच इसलिए कराई जा रही है कि जो वहाँ अनलीगल कार मदरसे में होते हैं उस पर रोक लगेगी। मदरसों के साथ साथ बहुत से ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मदरसों की जांच गवर्नमेंट करवा रही है, इस पर किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना तो किसी को इस पर विरोध करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों की जांच नहीं करा रही है। प्रदेश सरकार मदरसों की जांच नहीं सर्वे करवा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मदरसे कागजों में चलते हैं और कई जगह संदिग्ध गतिविधियां भी पाई जाती हैं।